महाशिवरात्रीच्या पर्वावर शहरातील कालीमाता मंदिर येथे सुद्धा विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करून मंदिर विश्वस्त पीठाधीश्वर श्री शक्ती महाराज यांच्या हस्ते महाआरती करण्यात आली. या दरम्यान शेकडो भाविकांनी सुद्धा कालीमाता देवीचे दर्शन घेऊन पूजा अर्चना केली. या धार्मिक कार्यक्रमात महाशिवरात्री उत्सव निमित्त प्रसादाचे वाटप करून उपस्थित भाविक भक्तांना शक्ती महाराजांनी मार्गदर्शन केले. कालरात्रि मैया की जय. बोलो भोलेनाथ शंकर भगवान की जय. आज माता के आशीर्वाद से, भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से, जो हर महाशिवरात्रि की जो भगवान के कार्यकाल से, देव को देवादिदेव महादेव के कार्यकाल से, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के कार्यकाल से जो महाशिवरात्रि आती है, आज वो महाशिवरात्रि का पर्व चालू है. आज माता महाकाली के आशीर्वाद से हर साल के जैसा जो सवेरे 8 बजे से अखंड अभिषेक चालू होता है, अखंड पूरा अभिषेक और बाद में दूध की धाराएं चालू होती है. सभी भक्त लोग मिलके दूध की धाराएं भोलेनाथ जी की अखंड धारा अनगिनत धारा भोलेनाथ जी के ऊपर जो अखंड अभिषेक दूध की धारा से किए जा रहा है. आज महाशिवरात्रि के दिन में सवेरे 8 बजे से शुरुआत हो गई है और कल सवेरे 5:30 से 6:30 के बीच में पूर्ण अभिषेक होने के बाद में माता के आशीर्वाद से महाआरती का कार्यक्रम रखे. महाआरती का कार्यक्रम होने के बाद में जो भी हर साल की परिपाटी वैसा कार्यक्रम सभी भक्त लोगों के हाथ से कर रहे हैं, यह महाकाली की कृपा मेहरबानी है. और आज माता के आशीर्वाद से आज हम लोग भोलेनाथ जी के चरणों में यह वंदना कर रहे हैं कि हमारे गौ माता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को बंद होना चाहिए. हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ब्राउन शुगर MD ये जो लोग उनको दे रहे हैं वशीकरण करके, वो भी बंद, उस पर भी बैन लग जाना चाहिए. पूरा के पूरा बंद हो जाना चाहिए. बैन तो है पर बैन जरूरी से ज़्यादा लग जाना चाहिए पूरा बैन.
एमडी और ब्राउन शुगर पे हर पब में से अमरावती में जितने पब है पूरे पब में जहाँ पे भी एमडी और ब्राउन शुगर बिक्री है वो बिक्री बंद होना चाहिए। और हमारे पूरे अमरावती शहर के हर गली गली में जो रात को 11:30-12:00 से जो ब्लैकमेल चालू होता है ब्राउन शुगर एमडी का, वो भी बंद हो जाना चाहिए। यहाँ आज हम भोलेनाथ जी की शरण में और महाकाली माता शक्तिपीठ की शरण में हम प्रार्थना कर रहे हैं। और कल मेरा दौरा था पावन गांव में मैं जाके आ गया हूँ। वहाँ पे आंदोलन चालू है और अभी मैं 11 तारीख को भी उसी जगह पे सवेरे 8 बजे मैं पावन गांव में रहूँगा और वहाँ पे जोरों शोरों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस कारण आंदोलन कर रहे हैं कि यहाँ पे कत्तलखाना जो 8 से 10 एकड़ में जो बनने जा रहा है वो कत्तलखाना बनने को नहीं होना चाहिए। उसके अंदर वो एरिया में पूरे के पूरे गाँव में पूरे हिंदू लोग, मुस्लिम कोई भी नहीं है। फिर उस गाँव में हमारे वो गाँव में फिर उसमें वहाँ पर कत्तलखाना क्यों आना, कत्तलखाना के ऊपर रोक लगना चाहिए। मुझे अपने देश के पन प्रधान लाडले नरेंद्र मोदी जी के ऊपर यह विश्वास है, अमित शाह जी के ऊपर यह विश्वास है और हमारे बावन कोड़े सर के ऊपर यह विश्वास है और हमारे जेपी नड्डा सर के ऊपर यह विश्वास है और महाराज गवर्नमेंट पे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर पे यह विश्वास है कि पवन गांव में जहाँ जो जगहों पे जो पवन गांव में जो हम आंदोलन कर रहे हैं और 11 तारीख को मैं वहाँ पे मौजूद रहूँगा और कई हजारों लोग रहेंगे वहाँ पे, उस समय पे वहाँ पे हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं और वहाँ पे कत्तलखाना बनने को नहीं होना। इसके लिए हम निवेदन देंगे कलेक्टर साहब को भी और सभी को, हमको विश्वास है हमारे महाराज गवर्नमेंट पे कि उस जगहों पे कत्तलखाना नहीं बनेगा, क्योंकि उस जगहों पे वही जहाँ पे कत्तलखाना बनने का चालू था उसी जगहों पे मैं खुद वहाँ पे दर्शन करता हूँ। माता माई का दरबार है, मंदिर है, झाड़ है और वो कम से कम 10 पीढ़ियों के ज़माने से झाड़ और मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे कत्तलखाना बंद नहीं करने देंगे, यह माता का आशीर्वाद है। बस मैं यही ये करता हूँ। आज मैं 2 शब्दों गौ माता की जय घोष करके मैं विराम देता हूँ मेरे